तो देखिए स्टूडेंट्स, आईपीएससी नोमेनक्लेचर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आईपीएससी नेम पांच चीज़ों को कंटेन करता है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, बार बार रिपीट करता हूं, हर चैप्टर के शुरू में आईपीएससी नोमेनक्लेचर ही होता है। तो वापस से मैं समराइज्ड वे में बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट मैनर में। सबसे पहले लिखा जाता है हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। कभी भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का नाम लिखेंगे तो ये चीजें आती हैं। उसके बाद आता है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये होता है, इस सीक्वेंस में अपन नाम लिखते हैं। अगर आपको कोई भी एल्डिहाइड दे दे, सपोज नाम दिया मुझे CH3C OH, तो आईपीएससी का रूल बोलता है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, उसके बाद में नंबरिंग करो। नंबरिंग उस साइड से कार्बन चेन सेलेक्ट की, उसको दो एंड होते हैं, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। नंबरिंग उस साइड से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। मैं फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है इधर से, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की। अब नंबरिंग में इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को पहले दूंगा 1, 2, और दो कार्बन के लिए आपको वर्ड रूट के अंदर मैंने 15 तक बता रखा है। एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, 15 तक। अगर आपको ये दे दिया तो मेरा कोई इसके अंदर कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। ये क्या होते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, साइक्लो। वर्ड रूट क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेचुरेशन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं ऐसे। और सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। तो मोर देन अगर वन फंक्शनल ग्रुप होंगे और डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे, देखिए सेकेंडरी सफिक्स एक ही फंक्शनल ग्रुप का आएगा हमेशा, बाकी सारे किसकी तरह कंसिडर होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ये बात याद रखना, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसी का क्या आएगा अपने को, सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। आपको मैंने ये दिया, इसके अंदर मुझे कोई भी सब्सटेंट नहीं जुड़ा हुआ है, ये नहीं है। क्या इसके अंदर कोई साइक्लो वर्ड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक रिंग ही नहीं है, तो मैं साइक्लो क्यों लगाऊं। तो मैंने प्राइमरी सब प्रीफिक्स भी नहीं लिखा। वर्ड रूट मेरा है दो कार्बन के लिए एथ, तो मैंने लिखा ETH, एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, एथ एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, मुझे पता है मेरे कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनलिटी है, एल्डिहाइड फंक्शनलिटी के लिए फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल मैंने आपको लिखा है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल को जब देखेंगे तो आपको एल्डिहाइड के प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ें पता लगती है। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल और सफिक्स होता है एल, ए एल। तो मैं यहाँ पे एक ही है एल्डिहाइड, इसका सफिक्स ही यूज़ करता हूँ। जो लीडर हमेशा, देखिए अगर एल्डिहाइड किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ होता तब अपने को कंपैरिजन करना था प्रायोरिटी में पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है। जो प्रायोरिटी में पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो प्रायोरिटी में नीचे आएगा वो हमेशा
सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स काम में लेते हैं और मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स काम में लेते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये मेन, इसके लिए एल काम में लेते हैं तो ए एल, और मैं ई को ड्रॉप कर देता हूँ, जब दो ओल आते हैं तो एक को ड्रॉप कर देता हूँ, नाम हो जाएगा इथेन। इस तरीके से अपन नाम करते हैं। ये तो मैंने सिंपल एल्डिहाइड का बताया, इसी तरीके से सिंपल कीटोन का देखिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग 1 2 3। अब जब नंबरिंग 1 2 3 किया तो क्या हो जाएगा, आप तीन कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, ऑन, तो मैंने लगाया ऑन, और मैं दो ओवल टकराने पे एक को ड्रॉप कर देता हूँ, ई को, मेरा नाम आ जाएगा प्रोप एन ऑन, प्रोपेन ऑन। आए बात सुने ऐसे ये। तो ये सिंपल आईपीएससी नेम अपन इनको कर सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट आईपीएससी नेम करने के लिए देखिए, कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ उनके आईपीएससी नेम करते हैं, कैसे करेंगे। दिया गया है आपको ये सीएल है, ये देखिए इन कंपाउंड्स के अगर आपको कोई नोमेनक्लेचर पूछे तो आप किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे वो देखिए। ये दिया गया है, अगर इस कंपाउंड के अंदर देखूं तो सबसे पहले वही रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, ये आया। उसके बाद नंबरिंग, मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4, चार नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद चार कार्बन के लिए वर्ड रूट में लगाता हूँ ब्यूट, अगर मेरा कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है तो उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह रखता हूँ, अगर मेरा साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लिखता हूँ, अगर साइक्लिक नहीं है तो मैं प्राइमरी प्रीफिक्स लगाता ही नहीं हूँ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मेरा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के लिए एल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-chloro-butene-L। बात समझ आता है, यही आएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग करने के बाद 2 पोजीशन पे क्लोरो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल। आप इसमें पूरी चीज़ बता सकते हैं, क्लोरो क्या है, ब्यूट क्या है, एन क्या है और एल क्या है। ये तो है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये है वर्ड रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स, और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे इसके अंदर
प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, ऐसे। आगे देखिए, ये इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन क्या मैं ये कर सकता हूं? कर मत देना, रॉन्ग। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4 कार्बन लिए हुए, इससे ज्यादा तो मैं कार्बन चेन बड़ी ये बना सकता हूं, ये है नहीं। कितने आ गए इसके अंदर कार्बन? 5। 1, 2, 3, 4, 5। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बात समझ आता है? अगर ये करेंगे तो क्या होगा? अब देख लीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो। टू इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं मिथाइल। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वाइल राइटिंग नेम वी ऑलवेज यूज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सबस्टूएंट के केस में सबस्टूएंट जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है कम्स फर्स्ट वाइल राइटिंग नेम। तो अब मुझे बताइए नाइट्रो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? मिथाइल, तो आ जाएगा 3-मिथाइल, 2-नाइट्रो, एन छोटा, पेंट एन एल। बात खत्म, पेंटेन एल। देखिए कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये मिथाइल पहले क्या है। अब मैं इस एम और इस एन को देखता हूं, मैं कभी भी पोजीशन को नहीं देखता, कीप इन माइंड दैट। अगर मैं पोजीशन को देखता तो मैं इस 2-नाइट्रो को पहले लिखता, क्योंकि 2 पोजीशन में पहले आ रहा है, सबस्टेंट पहले आ रहा है मैं, लेकिन इस पोजिशन को नहीं देखता, मैं इस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको पहले देखता हूं। बात खत्म। ये देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के लिए अक्सर लोग गलती करते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल हो और उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का अगर नेचर अलग अलग है, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप कैसे नाम लिखेंगे? वो चीज देखिए, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों का नेचर अलग अलग हो, तो क्या करते हैं? हमेशा एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को सबस्टूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल देखा जाता है तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल के अंदर देखने से मुझे पता लगता है एल्डिहाइड पहले आता है और कीटोन उसके बाद में आता है। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल अगर मैं लिखूं तो कोई मुझे बताएगा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल क्या होता है? देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद एमाइड, एमाइड के बाद एल्डिहाइड, सॉरी नाइट्राइल, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और लास्ट में आता है एमीन। अगर आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की जाए, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैं अगर एल्डिहाइड और कीटोन मेरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो एक एल्डिहाइड ये है और कीटोन ये है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। इसका मतलब ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं, और ये है मेरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है
तो मैं इसको कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करता, लेकिन कीटोन इज ओनली द फंक्शनल ग्रुप विच इज इंक्लूडेड इन कार्बन चेन. क्यों? क्योंकि वो मजबूरी है, वो कार्बन चेन के बीच में आता है. अगर वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होता तो मैं उसको ऐड नहीं करता सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन टर्मिनल नहीं है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में आ रहा है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5 नाम हो जाएगा इसका, 4 कीटो या 4 ऑक्सो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं यूज. आगे क्या आ जाएगा? पेंट एनएल, ये हो जाएगा ना. ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल है, मैंने लिखा है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए. एल्कोहल, थाई एल्कोहल और एमीन. क्लियर? चार कंपाउंड्स के नाम मैंने लिखे हैं, आगे वालों के देखिए. इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने लिया ये, उसके बाद में ये थर्ड कार्बन पे 1, 2, 3, 4, 5 थर्ड कार्बन पे फिनाइल, तो 3 फिनाइल पेंट एंड 2 ऑन. कीटोन के लिए ऑन सफिक्स काम में लिया जाता है. इसका देखिए, इसका सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं इधर नंबरिंग को प्रोसीड करता हूँ. मैं 1 के बाद 2 इसको नहीं देता. क्यों नहीं देता? क्योंकि इधर थर्ड नंबर पे क्लोरो आता है, इधर थर्ड नंबर पे ब्रोमो आता है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो ब्रोमो. इधर नंबरिंग प्रोसीड करता हूँ तो जब इधर नंबर प्रोसीड करूँगा तो आ जाएगा 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लो, हेक्स एन ऑन. बात खत्म. इसका नाम अब मेरा ये साइक्लो वर्ड है. ये क्या है? मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स. बात समझ आता है? ठीक है, ये देखिए, इसका क्या होगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया. ये इस कंपाउंड के अंदर जब नाम लिखा था तो फिनाइल लिखा था ना, इस कंपाउंड का नाम 3 फिनाइल. हाँ ठीक. ये अब देखिए, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3. तो 3 कार्बन पे 2 पे मिथाइल है, 3 पे फिनाइल है. एम पहले आता है, पी पहले आता है. एम 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोप एनल, ऐसे आ जाए. ये हुए. अब मेरी क्यूरियोसिटी है आपको एक होमवर्क में एग्जाम्पल देने की, वो मुझे करके बताएंगे और जूम लेक्चर पे आप पूछ लेना. जूम लेक्चर पे आप आते हैं ना, जिस किसी को क्यूरियोसिटी रहती है उसके आंसर की, वो तो पूछ लेगा, नहीं तो अपने आप कर लीजिए. कॉन्फिडेंस है कि मैंने सही किया, देन कीप इट इन योर कॉपी. ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल विल स्टार्ट दैट. तो देखिए, होमवर्क लिखिए, इसका करना है. ये मुझे आप जूम पे पूछ सकते हैं इसका आंसर. ये स्ट्रक्चर दिया है इसका, आपको इस फंक्शनल ग्रुप का, इस मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है. आज इतना करते हैं. थैंक यू वेरी मच.